Hello everyone. So this is Yatin Nanda, and aaj game laya hoon. This is a flight simulator game for Android phones. So aaj hum plane udayenge. And bada maza aayega. Actually, mujhe bachpan se hi shauk tha aviation industry mein jaane ka. Par due to qualificational reasons, main nahi ja paya. But chalo, shauk hai. So I'm just completing my shauk by playing this game. ये प्लेन का इंटीरियर है. दिस इज हुड जिस पे लिख कर आता है 22 फीट इज माय हाइट फ्रॉम द सी लेवल और 0 फीट इज फ्रॉम द ग्राउंड. और लेफ्ट साइड पे 0 नॉट्स की मेरी स्पीड है अभी. तो जो प्लेन जो उड़ता है वो बेसिकली इसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए उड़ता है. इफ यू रिमेंबर अभी एक लॉयन एयर कंपनी का कोई प्लेन क्रैश हुआ था इंडोनेशिया में. सो उसका क्रैश होने का रीज़न था उसका ये वाला इंस्ट्रूमेंट खराब था. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपको बताता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन आप किसे मतलब आपका जो नोज़ है वो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है या ऊपर है या नीचे है. सो दिस इज़ द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्लाइंग द प्लेन्स. अगर आप सारी विंडोज़ आपकी क्लोज हैं आपके पास बस एक GPS हो और ये इंस्ट्रूमेंट हो आप ऐसे भी प्लेन को लैंड कर सकते हैं और फ्लाई कर सकते हैं. वो मैं करके भी दिखाऊंगा अपनी किसी आने वाली वीडियो में. सो चलिए अब इसके कंट्रोल्स देखते हैं फटाफट. तो कंट्रोल्स के लिए वी नीड टू चेंज द कैमरा एंगल. तो इंजन अभी मेरे स्टार्ट एरोप्लेन के इंजन अभी एयरप्लेन के स्टार्ट हैं. सो दिस कंट्रोल इज़ फॉर द टेल थिंग. ये देखिए टेल इसकी मूव कर रही है जो इसको मुड़ने में हेल्प करती है. एंड दिस जॉयस्टिक इज अगेन टेल ही जॉयस्टिक में भी काम आ रही है. और अगर आप इसको राइट लेफ्ट करेंगे तो इसके जो साइड वाले फ्लैप्स हैं विंग्स के वो मूव होते हैं और ऊपर नीचे में सिर्फ पीछे टेल के ऊपर जो फ्लैप्स हैं वही मूव होते हैं. ऑलराइट. और ये हमारा थ्रोटल है. ये थ्रोटल के साथ ये ऑटो ब्रेक्स है. जब भी आपने प्लेन को लैंड करना है और उसकी टैक्सिंग करनी है तो यू हैव टू यूज़ दिस. आपको ऑटो ब्रेक्स को टैक्सी पे रखना पड़ेगा ताकि ये अपनी एक रनवे पे या फिर कहीं पे भी एरोप्लेन चलने वाली स्पीड से जो उसकी स्पीड होती है मिनिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड जिस पे वो चले उससे ऊपर नहीं होगा. तो और रिवर्स थ्रस्ट है. जैसे ही आप लैंड करते हैं आप फटाफट रिवर्स थ्रस्ट को ऑन करें. वो क्या करता है वो थ्रस्ट होती है जो हवा का प्रेशर होता है जिसको जो उनसी हवा को वो पहले पीछे धकेल रहा होता है उसको वो फिर आगे धकेल देता है जिससे हमारा प्लेन जल्दी स्पीड कम कर लेता है अपनी. सो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए थ्रोटल को फुल करेंगे और वॉल्यूम को अप करेंगे. लैंडिंग गियर को ऑफ करने के लिए ये हमारा कंट्रोल. वो टायर्स हो गए फोल्ड. यो अभी इसका नोज जैसे ऊपर है ना तो दिस इज आप ऊपर ये वाले टॉप लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स में देखिए ये इसकी नोज नीचे आ रही है और इसका एंगल हम इस कंट्रोल के ऊपर देख पा रहे हैं. सो यही बस मेन चीज़ है. ये हमारा प्लेन नीचे जाना स्टार्ट हो गया. ये प्लेन का आइडल मोड है जिसमें उसको उड़ना चाहिए. ये अब हमारा एल्टीट्यूड नहीं चेंज होगा. प्लेन एक ही एल्टीट्यूड में चल रहा है. एल्टीट्यूड हाइट को बोलते हैं. सो हियर वी गो. अब हम चलेंगे वापस प्लेन को लैंड करवाने. Side view of the plane.
जब भी प्लेन को लैंड करवाना है ना अपने, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे पहले उसका थ्रोटल 65-60% के आसपास कर लीजिए और ऑटो ब्रेक्स को ऑन कर लीजिए। ये हवा में ही इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देता है, जिससे कि लैंडिंग स्पीड होती है बेसिकली एक। और अगर आप लैंडिंग स्पीड से पहले प्लेन को, तेज़ प्लेन को लैंड करोगे तो उसके लैंडिंग गियर्स टूट जाएंगे, बोले तो उसके टायर टूट जाएंगे और प्लेन हो जाएगा क्रैश। तो हमने अभी इसको स्पीड को इसकी को हवा में ही कम कर दिया है और नाउ वी गोना लैंड। ये लैंडिंग गियर्स को ओपन कर लिया, नाउ लेट्स गो। यस वी लैंडेड, और उसी के साथ रिवर्स थ्रस्ट ऑन, प्लेन हो रहा है अब स्लो। प्लेन हो गया है स्लो, स्पीड हमारी हो चुकी होने वाली है जीरो। इतनी स्पीड को तो हम ब्रेक मार के रोक लेते हैं। ऑल राइट, अब हम करेंगे, वैसे तो इसको एयरपोर्ट पे जहाँ पे इसका हैंगर होता है वहाँ पे जाके हम प्लेन को खड़ाते हैं, लेकिन आपके लिए मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। इंजन्स ऑफ, इंजन हमारे हो गए ऑफ, और ये जो रेड लाइट और वाइट ग्रीन लाइट्स जल रही हैं ये होती हैं सिग्नल लाइट्स, सिग्नल लाइट्स को करेंगे ऑफ। और उसके बाद हम फ्रंट डोर को करेंगे ओपन, फ्रंट डोर हो गया हमारा ओपन, एंड स्विच टू इन पर्सन। Now I am in the plane and I am getting out of it. और ये प्लेन से बाहर निकल के हमने किया इसका दरवाज़ा बंद, एंड here we go. So that's all for now. अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इससे बड़ा प्लेन उड़ा के, yes इससे बड़ा प्लेन उड़ाएंगे। और जो मुझे सबसे सही चीज़ लगती है वो करनी, वो ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैं प्लेन को एक हाइट पे पहुँचा के इंजन सारे ऑफ कर देता हूँ और फिर आई यूज़ टू लैंड जस्ट लाइक दैट। खतरों से खेलने की तो आदत है हमें। देयर इज़ अ चैनल इन, मतलब एक चैनल है, मैं उसका, मेरे को उसका नाम नहीं याद, लेकिन उसकी कोई भी वीडियो लगाओ तो उसमें पहले डायलॉग होता है कि हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है। सो मतलब मैं वैसा कुछ नहीं मार रहा डायलॉग, बट इन नेक्स्ट वीडियो हम इससे बड़ा प्लेन उड़ाएंगे। यो गाइस, खुदा हाफिज़।